Hi, I'm Dinesh, and in today's video, we are going to discuss literary terms intentional fallacy and affective fallacy. The word fallacy means a mistaken belief or a wrong judgment. So, intentional fallacy and affective fallacy are the mistakes that we make in judging a literary work. These terms were first introduced in essay form in 1946 by W.K. Wimsett and Monore Beardsley. लेटर दीज एसे रीप्रिंटेड इन नाइनटीन फिफ्टी फोर इन बर्बर लाइकन बोथ ऑफ़ दिज टर्म्स आर प्रिंसिपल्स ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म न्यू क्रिटिसिजम में क्या होता है कि जब न्यू क्रिटिसिज्म में हम किसी लिटरेरी वर्क को इंटरप्रेट करते हैं उसे जज करते हैं तो आई ए रिचर्ड्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने क्या किया कि अपने स्टूडेंट्स को कुछ पोइट्रीज दी कुछ पोएम्स दी उन्हें और उनके ऊपर से ऑथर की जो सारी इन्फॉर्मेशन थी वो हटा दी वो पोइम्स किस एज में पब्लिश हुई थी उनका पोइट कौन है उसकी बायोग्राफिकल और हिस्टोरिकल डेटा जितना भी था वो सारा उन्होंने उन पोएम्स से हटा दिया और सिर्फ पोइम्स जो है अपने स्टूडेंट्स को दे दी और उन्हें इंटरप्रेट करने को कहा तो यही होता है न्यू क्रिटिसिज्म में न्यू क्रिटिसिज्म में जब हम किसी वर्क को जज करते हैं तो हम वहाँ पे ये कंसीडर नहीं करते कि ये वर्क जो है ये किस एज में आया था उस टाइम की सोशल हिस्टोरिकल कंडीशंस कैसी थी उस टाइम पे जो है पोइट किस तरह की सिचुएशंस में जीता था पोइट का बैकग्राउंड क्या है तो हम उसका पोइट का बैकग्राउंड और उसका हिस्टोरिकल बायोग्राफिकल डेटा जब एक वर्क से हटा देते हैं और हम उस वर्क को इंटरप्रेट करते हैं सिर्फ उस वर्क की फॉर्म और लैंग्वेज के बेस पे तो इसे हम कहते हैं न्यू क्रिटिसिज्म डब्ल्यू के विमसेट और मनोरे बेट्सले जो कि ख़ुद न्यू क्रिटिक्स थे इन्होंने बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं जो हम करते हैं किसी लिटरेरी वर्क को इंटरप्रेट करने में इसमें जो इनका फ़र्स्ट ऐसे पब्लिश हुआ था 1946 में द इंटेंशनल फैलेसी इंटेंशनल फैलेसी होता है जब हम किसी वर्क को इंटरप्रेट करते हैं ये समझकर कर ये अज्यूम करके कि उस पोएट की इंटेंशंस क्या है जैसे जब हम किसी पोयम को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि कवि कहता है कि अर्थात इसमें हम खुद से अज्यूम करते हैं कि पोएट ने क्या कहा होगा उसकी इंटेंशंस क्या रही होंगी कवि कुछ नहीं कहता कवि ने जो कहना था उसने कह दिया वो मर गया अब जो कहती है कविता कहती है ऐसा मानना है न्यू क्रिटिक्स का तो इंटेंशनल फैलेसी होती है जब हम अज्यूम करते हैं कि राइटर की इंटेंशंस क्या रही होंगी उसकी इंटेंशंस को अपने आप से अज्यूम करना इंटेंशनल फैलेसी है अफेक्टिव फैलेसी होता है किसी वर्क को इस बेस पे जज करना कि उसका इमोशनल इफेक्ट क्या पड़ता है रीडर पे। जैसे एरिस्टोटल का मानना था कि बेस्ट ट्रेजेडी वो होती है जिसमें कैथारसिस होता है जिसे पढ़कर रीडर में फियर एंड पिटी जैसे इमोशंस आते हैं और अगर ये इमोशंस प्रोड्यूस नहीं हो रहे रीडर में तो फिर वो ट्रेजेडी अच्छी ट्रेजेडी नहीं मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इसे डब्ल्यू के विम्सेट और मनोरे बेट्सले ने अफेक्टिव फैलेसी बताया है उन्होंने कहा कि एक वर्क को इस तरह से जज नहीं करना चाहिए कि उसका इफेक्ट रीडर पे क्या पड़ता है तो फिर अगर हम किसी वर्क को ना तो इस तरह से जज करेंगे कि उसमें ऑथर की इंटेंशंस क्या रही होंगी क्या राइटर के मन में रहा होगा उस वर्क को प्रोड्यूस करते टाइम और ना ही इस तरह से जज करेंगे कि उसका रीडर पे क्या इफेक्ट पड़ता है तो फिर हम किसी वर्क को किस तरह से जज कर सकते हैं इसके लिए न्यू क्रिटिक्स ने एक टर्म दी ऑटोटेलिज्म दे सेट दैट ए लिटरेरी वर्क इज ऑलवेज ऑटोटेलिक दैट मीन्स उसकी जो फॉर्म है वर्क की उसकी जो लैंग्वेज है उसका जो स्ट्रक्चर है उससे जो मीनिंग आता है वही उसका ट्रू मीनिंग होता है वी शुड गो बाय द कंटेंट ऑफ द वर्क नॉट बाय द इंटेंट ऑफ द ऑथर और इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन द रीडर सो बेसिकली ये तीन प्रिंसिपल्स हैं किसी वर्क को जज करने के फर्स्ट कि हम किसी वर्क को इस तरह से जज करते हैं कि उसके जो राइटर हैं उनकी इंटेंशंस क्या रही होंगी उस वर्क को लिखते टाइम अगर हम इस तरह से जज करते हैं तो इसे इंटेंशनल फैलेसी कहा है डब्ल्यू के वेम और मनोरे बेट्स ने सेकेंड जो तरीका हो सकता है किसी वर्क को जज करने का वो ये कि उसे पढ़ने के बाद रीडर पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम इस तरह से जज करते हैं कि रीडर पे क्या इफेक्ट पड़ता है तो इसे डब्ल्यू के वेम और मनोरे बेट्स ने अफेक्टिव फैलेसी कहा है थर्ड प्रिंसिपल जो न्यू क्रिटिसिज्म ने दिया है न्यू क्रिटिक्स जो कहते हैं कि एक सही तरीक़ा है किसी वर्क को जज करने का उन्होंने कहा कि वर्क ऑटोटेलिक होता है वर्क को हमें उसकी फॉर्म और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जज करना चाहिए ना कि उसके हिस्टोरिकल और बायोग्राफिकल बैकग्राउंड से अब मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा है किसी लिटरेरी वर्क को जज करने का अकॉर्डिंग टू द इंटेंशंस ऑफ द ऑथर और द इफ़ेक्ट्स दैट इट लीव्स ऑन द रीडर या फिर हमें वर्क को उसकी फॉर्म और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जज करना चाहिए सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो आई होप आपको सभी कंटेंट इस वीडियो का अच्छे से समझ आ गया होगा अगर आपके कोई क्वेरीज या डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो